इनका नखरा तो इतना बढ़ गया कि इनको रिस्पांसिबिलिटी का पता भी नहीं है। नाक मुंह कान सब टेढ़े, फिर भी अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती हैं। हे, सपनों की रानी आ गई। आशा निराशा भगवान पल पल में परीक्षा लेता है। आंखें चेहरा बहुत खूबसूरत है लेकिन पाँव सही नहीं है। बेचारी लड़की डिस्कोथेक में कैसे जाएगी, डांस कैसे करेगी, योगा कर सकती है क्या? बेचारी किसी काम की नहीं, ऐसी लड़की को कोई लव नहीं करेगा। लेकिन मुझ जैसा सिंपल लड़का इससे रहम करके प्यार तो करेगा पर शादी नहीं करेगा। यू? ए, शर्म नहीं आती? बेचारी एक हैंडीकैप लड़की को सता रहे हो। अरे बाप रे, तुम भी ये आइडिया ट्राई कर रहे हो? मैं भी लड़कियों को सताता हूँ। सताना है तो सिर्फ घमंडी और बदमाश लड़कियों को सताओ, लेकिन ऐसी फिजिकली हैंडीकैप लड़कियों को नहीं सताता हूँ। तुम जा सकती हो। सर बोल रहे हैं, जाओ। थैंक यू जी। यू आर वेलकम। क्यों बेटा, तू हैंडीकैप्स को नहीं सताता, बदमाशों को ही सताता है, ये तो उससे भी ज्यादा है। अरे दोस्तों आ रहा हूँ मैं, चलो सभा संभाल लो। छोड़ दीजिए, टाइम हो गया, बेल मारेंगे। नहीं मारेंगे। मारेंगे नहीं मारेंगे। मारेंगे, अरे नहीं मारेंगे। कैसे बोल सकते हो नहीं मारेंगे? बेल यहां, क्या हो रहा है यहां से मारेंगे? हटो, हटो, हैं क्लास में जाने के बजाय यहां क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं बेल नहीं बजी सर। बेल नहीं बजी? 9 बज गए सर। प्यून, प्यून सर। सर क्या सर? बेल क्यों नहीं बजाया सर? बेल बजाया सर। नहीं बजाया सर। सर बजाया सर। नहीं बजाया सर। हैं अब जाकर बजाओ, जाओ। ओके सर। ओहो, तो ये तुम्हारी करतूत है, बेवकूफी क्यों करते हो, इस तरह की हरकतें क्यों करते हो? दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा सर। दांत बंद करो, अब जाओ क्लास में, जाओ जाओ। ए, चलो भाई। ए, तुम मेरे साथ रूम में चलो, चलो कम ऑन कम ऑन। भज गोविंदम भज गोपा। दिखाई नहीं देता क्या, मेरे गाड़ी के सामने क्यों आया? क्या कहा? एक तो मेरी गाड़ी को ठोकर मार दी और मुझे ही आंखें दिखा रही हो, उंगली पकड़ने को दी तो गर्दन पकड़ रही हो। असल में तो तुझ पर पुलिस केस करना चाहिए। तो मैं एक लड़की हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ, चुपचाप मुझे ड्रॉप करो। मैं क्यों ड्रॉप करूँ? ओके ड्रॉप मत करो, नो प्रॉब्लम, पुलिस आने तक दोनों यही रुकते हैं। रेडी? पता नहीं किस गाड़ी से पाला पड़ा था। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठिए ना। गुड, चलो चलो। आज क्लास में बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था। दीदी भैया बस है, देख के चलाओ। सरक के बैठो। सरक गया। आगे नहीं पीछे। क्या लड़की है यार। ओ बाप रे, मुझे धक्का देके तुम क्यों चला रहे हो? क्या जानती हो मेरी हालत क्या है? हाथ हटाओ, उतरो, अभी नीचे उतरो। ए, मेरी कमर पे हाथ क्यों रखा? स्पीड ब्रेकर पे इतनी तेज चलाया तो हाथ लग ही गया। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं रखा। तुमने जानबूझ के रखा? क्या कहा? मैंने जानबूझ कर तुम्हारे ऊपर हाथ रखा था? हेलो, चल निकल यहाँ से, चल निकल निकल। अरे ऐसे चल के क्यों आ रहे हो, बाइक कहाँ गई? रिपेयर के लिए दी है। रिपेयर करने दी है या उसके बहाने से लड़की के साथ घूम रहे थे? कौन सी लड़की? दीदी जब हमने पहले देखा तो ये दोनों स्कूटी पे जा रहे थे, रोड नंबर 12 पे देखा तो ये दोनों लड़ रहे थे। क्या हुआ होगा दीदी? और क्या होगा, लव हुआ होगा। सच कहा दीदी, वरना भैया उस लड़की की कमर पे हाथ क्यों रखते हैं, बताइए तो। मुझे बीच में रख के फुटबॉल क्यों खेल रही हो तुम दोनों? तो तुम ही बताओ ना। क्यों भैया, तुम उस लड़की से सच में लव करते हो? अरे लगाऊं क्या, एक लव कुछ नहीं है। ये कैसे किलो दिया भैया? 50 रुपए किलो। ये सारे दे दो। ठीक है सर। ये कैसे दिया भैया?
खत्म हो गया बेटी, सारे इन्होंने ही खरीद लिए। सुनिए, मेरे डैडी को ये बहुत पसंद है, मैं आधे ले लूं? ये हमें ही कम पड़ेंगे बेटा। यहाँ क्या कर रहे हो बेटी? आपकी पसंदीदा सब्जी लेने आई थी डैडी, पर इन्होंने पूरी खरीद ली। अरे कृष्णा, तुम? अरे सुबू। मेरे पापा का नाम सुब्रमण्यम है। मैं जानता हूँ बेटी, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं बेटी। ये मेरी बेटी है। अंकल, अब तो मैं इसमें से आधे ले लूं? आधा क्यों बेटी, सब पकाकर इसके सामने परोसूंगा और इसको खाते हुए देखूंगा मैं। चलो मेरे घर चलते हैं। चल। हाँ चलो। दीदी दीदी यहाँ। क्या हुआ? वहाँ देखो, उस दिन भैया के साथ जो लड़की थी वो यही है ना? तो पापा के साथ क्यों आई है? यानी भैया का काम तमाम। भैया भैया, वो लड़की हमारे घर आई है भैया, अपने पापा को लेकर। जल्दी आओ। कौन है? मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता हूँ। वो बात नहीं है भैया, वो लड़की हमारे घर आई है। अरे बाप रे, हमारे घर आ गई है? बाप रे। अन्नपूर्णा, ये याद है तुम्हें? क्यों याद नहीं है, सुब्रमण्यम भैया ही है ना। कैसी हो बहना? अच्छी हूँ भैया। ये मेरी बेटी सुहासिनी, यही कॉलेज में पढ़ती है। नमस्ते आंटी। अरे सब्बू, ये बड़ी लड़की है। नमस्ते अंकल। इसकी शादी तय हो गई है। और ये छोटी बेटी। नमस्ते अंकल। अरे कृष्णा, तेरे एक बेटा भी था, वो किधर है? अरे है ना, राजो। ए, अरे टॉवल तो निकाल। अरे टॉवल निकाल, शक्ल देखनी है तेरी। क्या रे सब्बू, मुझे लगा तू पहचानेगा, लेकिन तेरी बेटी ने पहचाना। क्यों बेटी, तुम इसे पहचानती हो? हाँ डैडी, ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है। अच्छा है बेटी, बचपन में भी तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अब फिर एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे हो। अंकल, बचपन में ये दोनों एक ही स्कूल में थे? हाँ बेटी, बचपन में सुहासिनी की बहुत नाक बहा करती थी, तब तुम्हारा भैया बैती नाक करके उसे चिढ़ाता था। डैडी वो सब क्यों बता रहे हो? तू भी उसे कुछ कह के चिढ़ाया करती थी। क्या कहती थी? वो भूल गई होगी अंकल, बहुत पहले की बात है ना। तुझे कुछ याद है कृष्णमूर्ति? कुछ तो कहा करती थी यार, वो क्या कहती थी? कुछ नहीं, आँख में कचरा चला गया अंकल। उसकी आँख का कचरा निकाल दो बेटी। क्यों? बहती नाक कहकर चढ़ाना चाहते हो? बहती नाक वाली लड़की। ईमानदारी से बचपन में क्या कहकर चढ़ाते थे बताओ, वरना तुम्हारे आँखों की सच में परेशानी हो जाऊंगी। डैडी, मैं बचपन में नागों को क्या बुलाती थी? याद नहीं आ रहा, भूख लगी है, खाना दो। बचपन में उसे क्या कहकर बुलाती थी बताओगे तो ही खाना दूंगी, ठीक है ना? वैसे भी दीदी और जीजा जी को खाने पर बुलाकर पहले आप कैसे खा सकते हैं? तुम्हारा जीजा सीएम साहब का पिए, वो उन्हें कब छोड़ेंगे और वो कब आगे खाएगा? मुझे तो भूख लगी। लो आगे। दमाजी, मुझे जोर की भूख लगी है भाई। दीदी, कृष्णमूर्ति नाम के अपने पड़ोसी हुआ करते थे, याद है? हाँ, कोर्ट के प्यून है ना। हाँ, उनके बेटे नागराजू को मैं एक निकनेम से बुलाया करती थी, आपको वो नाम याद है? एक निकनेम भी किताब है, वो लाकर देती हूँ, वो पढ़कर जान लो। उसकी जरूरत नहीं है। खाना परोसो बेटी। क्या बनाया है आज? आपकी नहीं, डैडी के कहने पर उनकी फेवरेट सब्जी बनाई है। ये सब्जी क्यों बनाई? इस सब्जी को तो लेबर लोग खाते हैं, पिताजी को कैसे पसंद आएगी? लेबर इसे खाते हैं तो क्या हम खाना छोड़ दें? मुझसे बहस करना नहीं, इसे जीत कर दिखाओ तो जानू। सुहासिनी के हर बात मुझे स्वीट लगती है। डैडी, डैडी। क्या हुआ बेटी, कोई बुरा सपना देख लिया? सोऊंगी तो सपने आएंगे ना। डैडी, नागराजू का निकनेम बताइए ना। नींद लगी है बेटी, सुबह सोच करके बताऊंगा। क्या डैडी? डैडी, डैडी, नींद ही नहीं आ रही है। अरे मुझे तो सोने दो बेटी। माँ, अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? बताओ ना कौन सा जोक है, हम लोग भी हंस लेंगे। बताऊंगी तो तू रोएगा। पहले तुम बताओ तो सही। कुछ नहीं बेटा, कल वो लड़की अपने घर आई थी, तुझे क्या कहकर चिढ़ाती थी पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी और तुमने क्या बताया? मोटा गेंडा बोली। मोटा गेंडा? मोटा गेंडा? रुक रुक रुक, अभी बता दो। रुक जा माँ, सामने से हट जा। अरे जाने दे इसको। माँ जा। रुक रुक, अरे कहाँ जाएगी तू? मेरे दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, सब घर में ही बसे हुए हैं। भैया लड्डू खाओगे? माँ,
एक्सक्यूज मी सर, ये वीआईपी सीट्स हैं, आप जरा पीछे जाकर बैठिए। ए, अपन कौन है इसको बता रहे? ए, आर्ट्स कॉलेज का लीडर है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, नाम है गुरु। तो हम क्या करें, पीछे जाकर बैठो। ए, क्या बोल रहे तो? ये कौन है जानता है? कौन है ये? पॉइंट फोर से वाला, पॉइंट सिक्स से छोटा है। आप बैठिए सर, बैठिए बैठिए। उसने कुछ तो कहा लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। पॉइंट फोर से बड़ा, पॉइंट सिक्स से छोटा, पॉइंट फाइव बोला वो। चल ए चल, डियर फ्रेंड्स, आज हमारे कॉलेज के गोल्डन जुबली फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम साहब को क्यों बुलाया है जानते हैं? क्योंकि वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मंच पर आने की विनम्र विनती करता हूँ और उनका सम्मान करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि बनकर आए माननीय होम मिनिस्टर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सीएम साहब हमारे इसी कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करके आज राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए हम विद्यार्थीगण आपसे एक संदेश सुनने की आशा रखते हैं। सारे विद्यार्थियों को गोल्डन जुबली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा पॉलिटिकल वाले माइक हाथ में आते ही बड़े बड़े वादे करते रहते हैं। मैं वादे करने के लिए नहीं आया हूं, जनता की मदद करना पहले की राजनीति थी और रुपए कमाना आज की राजनीति है। आप सब लोग नए वोटर्स होंगे, सरकार को बदलना या राजनेताओं को बदलना युवाओं के हाथ में है। तुम सबको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति के तौर तरीकों को बदलने की उम्मीद तुमसे करता हूँ। आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, कल आप में से कोई एक इस कुर्सी पर बैठ सकता है। खासकर युवाओं से मेरी विनती है, तुम आने वाले उज्जवल भारत के उजियारे दीप हो, कल के बनने वाले वीर हो। युवा हीरो से ही भारत को एक नया रूप मिलेगा। Sold the people, buy the people. True the people के बदले ये भावनाएं होनी चाहिए। Sold the youth, buy the youth. True the youth. सोच जब आएगी तभी सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद।